बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की अपडेट। अब ये है कि भाई सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान या इंडिया के लिए तो आप जा सकते हैं, यानी कि फ्लाइट्स को ओपन है जी, लेकिन पाकिस्तान से और इंडिया से वगैरह से आप सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते हैं। इसके मतलब जो शराइत वगैरह है उनके मतलब भी आपको इल्म होगा। हाल ही में सऊदी अरेबिया ने तमाम एयरलाइन को मुखातब करके कहा है कि कोई भी ऐसी एयरलाइन जो दूसरे कंट्री से मुसाफिर लाती है सऊदी अरेबिया में, वो इस बात की तसल्ली यानी कि बिल्कुल इस बात को ओके करे पहले कि तमाम तर मुसाफर जो उस एयरलाइन में सवार हैं उनके इस वायरस के टेस्ट वगैरह मुस्बत नहीं होनी चाहिए। जो रिपोर्ट उन बंदों ने उस एयरलाइन को दी हुई है, यानी कि हमने कौन सी वैक्सीन लगवाई है या हमारा टेस्ट वगैरह हमने कितने दिन पहले करवाया था, जो सऊदी अरेबिया की शरायत वगैरह है उनके ऊपर वो बंदा 100% पूरा उतरा हो तो आप उसे सऊदी अरेबिया ला सकते हैं। तो लेकिन सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के लिए आप सफर कर सकते हैं। आपको यानी कि पाकिस्तान ने तो कोई शरायत नहीं रखी हुई है, आपको दोनों डोज लगी होनी चाहिए, ऐसे है वैसे है। तो भाई भाई जो पाकिस्तानी हैं या इंडियन भाई हैं वो सऊदी अरेबिया से जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के शहर रियाद से एक फ्लाइट उठती है जी, पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर उतरती है, उसमें भाई 6 बंदों का टेस्ट मुस्बत निकलता है जी मेरे भाई। और हैरानगी वाली बात दूसरी ये है कि ये सऊदी एयरलाइन है बकायदा। एआरवाई न्यूज ने भी ये खबर नशर की है कि रियाद शहर से एक फ्लाइट उठी है जी, पाकिस्तान के कराची शहर में उतरी है, उसमें 6 बंदों के टेस्ट मुस्बत निकले हैं और ये सऊदी एयरलाइन थी बकायदा। सऊदी एयरलाइन में आपको पता ही कितनी ज्यादा सख्ती की जाती है। लेकिन दूसरी बात, एक परेशान कुन बात मैं इसे बोलूंगा, वो ये है कि इन तमाम 6 बंदों को भाई अभी 6 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है और ये एयरपोर्ट के ऊपर ही मौजूद है। हो सकता है जब तक आप भाई ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम तक इनको कहीं कंटेनमेंट वगैरह के लिए ले गए हों, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक ये 6 के 6 मुसाफिर भाई कराची एयरपोर्ट के ऊपर ही बैठे हुए हैं। और अभी हुकूमत पाकिस्तान या कराची की जो इंतजामिया वगैरह है या कस्टम अथॉरिटी वगैरह वाले हैं वो यही सोच रहे हैं कि इनको कंटेनमेंट वगैरह अभी कहां करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भाई ऐसे हालात के मुतल्लिक सीरियस सोचना चाहिए कि 6 बंदों के टेस्ट मुस्बत निकलते हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो उनको फौरन भाई उठाकर कहीं कंटेन वगैरह करना चाहिए और दूसरी जो तमाम फ्लाइट में मुसाफर सफर कर रखे थे उन तमाम के भी अच्छे से टेस्ट करने चाहिए और 7 दिन बाद उनके दोबारा से टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि वो तमाम तर मुसाफर भी इन्हीं बंदों के साथ सफर कर रहे थे।